हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो बच्चे किसी भी दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नई इन्फॉर्मेशन आई है जो कि मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर अभी दी है, जिसमें हम देखेंगे कि जो आपके एग्जाम है सेमेस्टर या फिर एनुअल एग्जाम किसी भी ईयर के, वो कैंसिल हुए हैं या फिर वो एग्जाम आने वाले टाइम में होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या आई है, उसके बाद मैं आपको ये भी क्लियर करूंगी कि दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाएगी। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आती है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फटाफट से चलते हैं मनीष सिसोदिया के ट्विटर पेज पर। तो ये है मनीष सिसोदिया का ट्विटर पेज, जो कि हमारे दिल्ली के डिप्टी सीएम भी हैं। इन्होंने क्या बोला है, इन द लाइट ऑफ मेजर डिसरप्शन कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस पेंडेमिक, दिल्ली गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कैंसिल ऑल दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स इंक्लूडिंग फाइनल एग्जाम्स। मतलब इन्होंने ये डिसाइड किया है जो भी दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, चाहे वो फिर वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी सेमेस्टर के या ईयर के स्टूडेंट हो, सभी के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब वो जो प्रमोट करने का तरीका होगा, ये लोग कोई मैथड निकालेंगे इवेल्युएट करने का, आपकी प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस देखकर उसके पर आपकी इवैल्यूएशन कर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा या नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा, या फिर अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको आपकी डिग्री प्रमोट के बेसिस पर मिल जाएगी। मैं इस इन्फॉर्मेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं इस न्यूज़ को। और यहाँ पे इनकी एक ये वीडियो है जो जिसमें इन्होंने बोला है यहाँ पर, तो इस वीडियो को भी वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाए। तो ये मैंने गूगल से सर्च कर एक लिस्ट बनाई कि दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। अगर इसमें कुछ रह गया हो तो उसके लिए सॉरी, एक बार आप खुद भी अपने एंड पर चेक कर लेना कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। फिर दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम DTU भी बोलते हैं, ये भी आती है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, यानी कि जो IP यूनिवर्सिटी है वो इसके अंदर आती है। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन भी आती है इसके अंदर, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या फिर नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है। साथ ही जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि जो आपका DU है या फिर JNU है या जामिया मिलिया इस्लामिया है, ये यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आती, क्योंकि ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इनके ऊपर कोई भी डिसीजन आता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए, तो इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी बच्चों को कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। और आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।